नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विलेज मसाला में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम साग की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं, तो देखिए दोस्तों आप वीडियो को जरूर पूरा देखिए। आज हम बहुत ही टेस्टी साग बनाने वाले हैं और वो साग हम सरसों का बनाने वाले हैं। तो ये हमने अपने खेतों में सरसों लगाए हैं, तो ये तो हमने फलने के लिए सरसों लगाए हैं, तो इसमें से जो घने और पतले सरसों हैं उसको हम यहाँ से निकाल लेंगे। और दोस्तों आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है और हमारे वीडियो कैसे लगते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और दोस्तों अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को जरूर दबा लीजिए, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों हम यहाँ से साग निकाल ले रहे हैं सरसों को। दोस्तों यहाँ से हम जो पतले सरसों हैं उन्हें निकाल लेंगे और इसकी हम साग बनाएंगे। बथुआ ले लेते हैं, क्योंकि सरसों का साग जो है उसमें इन सब सागों को मिला के जब बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है। तो उसमें हम ये बथुआ, ये बथुआ जमे हुए हैं, तो बथुआ और ये चना इसको यहाँ से हम फोट लेंगे और इसे डाल के हम जो है साग बनाने वाले हैं सरसों का। तो दोस्तों जो हम सरसों का साग बनाने वाले हैं, सरसों की जो रेसिपी से बनाने वाले हैं, तो उसके लिए जो हम सरसों ले लिए हैं और चना और हम बथुआ दोनों खेतों में से ले लिए हैं। तो अब हम चलते हैं थोड़ा सा पालक भी ले लेते हैं, क्योंकि पालक इसमें डालेंगे तो ये पालक जो है इस साग को बहुत अच्छे से गला देगा और बहुत ही बढ़िया इसका स्वाद आएगा। चलते हैं अब हम पालक। सरसों हमने काफ़ी ले लिए हैं और उधर पीछे वाले क्यारियाँ से हम बथुआ और चना भी ले लिए हैं, तो अब हम चलते हैं थोड़ा सा पालक काट लेते हैं। तो यहाँ से हम पालक भी थोड़ा काट लेंगे। खेत में हमने पानी भरे थे तो अभी खेत में काफ़ी गीलापन है। तो दोस्तों ये साग हम ले आए हैं और हम इन्हें अच्छे से पहले छाट लेंगे और इन्हें भी बहुत अच्छे से धो लेंगे तीन चार पानी। तो पहले इन्हें हम छाट लेते हैं, ये देखिए सारे साग ले लिए हैं सरसों और ये पालक, सबको अलग अलग पहले कर लेंगे और अलग अलग इन्हें धूप के साफ करेंगे। और फिर इसमें बथुआ और ये चना, तो इन सबको पहले हम अच्छे से छाट के धो लेंगे। ये तो अच्छे से छटा हुआ है, पालक भी अच्छे से बिल्कुल साफ है, इधर केवल धोना है इसे। लेकिन सरसों को जो हम जड़ से उखाड़े हैं तो इनके हम मुलायम वाले पत्ते निकाल लेंगे। तो इस तरह से इनके हम मुलायम वाले पत्ते निकाल देते हैं और इनके जड़ को निकाल देंगे। तो दोस्तों ये साग हमने तीन से चार पानी अच्छे से धुल लिए हैं, तो अब हम इन्हें चलते हैं बिल्कुल बारीक बारीक काटने। इसमें हमने तीनों साग धुल लिए हैं, सरसों, पालक और चना और बथुआ, सभी साग को हम अच्छे से धुल के साफ कर लिए हैं। तो अब इन्हें हम बिल्कुल बारीक काटेंगे, तो इन्हें हम पहले बारीक बारीक काट लेते हैं। साग को जितना बारीक काटेंगे बहुत ही ज्यादा अच्छे से ये पकेगा और बहुत ही अच्छा लगेगा बाद में।
बारीक काट लिए हैं। तो अब इन्हें हम चलते हैं पकाने। तो सबसे पहले हम आंच पर कढ़ाई चढ़ा देंगे और इसमें अभी हम कुछ भी नहीं डालेंगे। इसमें हम सभी साग को पहले डाल देते हैं। साग हम इसमें डाल दिए हैं और इसमें अब हम ऊपर से थोड़ा नमक डाल देंगे। नमक हम हिसाब से डालेंगे क्योंकि साग पकने के बाद काफी कम हो जाता है, तो उस हिसाब से नमक डालेंगे कि नमक ज्यादा ना हो। और इसे अब हम ढक देंगे और इसे हम अच्छे से पहले पकने देंगे। चलिए दोस्तों एक बार देख लेते हैं। ये देखिए हमारे साग में बहुत ही काफी पानी है। अब इसको हम जहाँ तक हो सकेगा साग को अच्छे से इसी में हम मसल देंगे। साग को जितने अच्छे से फोटेंगे उतना ही अच्छा ये जो है बनकर साग तैयार होगा। तो इसको मेरे पास जो है मैश करने वाला नहीं है, तो इसको मैं इसी पलटे से ही इस तरह से अच्छे से जितना हो सका है उतना इसको इस तरह से घुटा लूंगी। और अभी से और ढक देते हैं। ये बहुत अच्छा तो ये देखिए दोस्तों साग में पानी काफी हद तक सूख गया है। देखिए इसे अभी हमें बहुत अच्छे से और पानी को इसके सुखा लेना है। बारीक कटे हुए अदरक हरी मिर्च और लहसुन। लहसुन और मिर्च का स्वाद बहुत अच्छा आता है साग में और साग का ओरिजिनल टेस्ट जो है उसमें कोई और मसाले ना डालने से ही आता है। और उसमें लहसुन और जो हरी मिर्च होता है ये इसके स्वाद को बहुत ही बेहतर बढ़ा देता है। और जैसे हमारा तेल गर्म हो रहा है तो इसमें सबसे पहले डालेंगे और डालेंगे इसमें लहसुन बारीक कटे हुए अदरक और हरी मिर्च और इन सबको भून लेंगे। लहसुन को अच्छे से पका लेंगे क्योंकि साग में पके हुए लहसुन का स्वाद बहुत बढ़िया आता है। तो लहसुन को अच्छे से हम इसमें पका लेंगे। अच्छे से चलाते हुए 2 मिनट तक भून लेंगे। तो दोस्तों तैयार है हमारा बहुत ही टेस्टी साग और ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी है। इसमें हमने कोई अलग से मसाले का इस्तेमाल नहीं किया, ये केवल लहसुन अदरक और हरी मिर्च से इसे हम बनाए हैं। तो दोस्तों आपको हमारी ये साग की रेसिपी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ऐसे ही नए चटपटे रेसिपी के साथ।